हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके से आप सब, आज मैंने क्रिएट किया पार्टी मेकअप लुक। तो गाइस, अगर आपको देखना है मैंने पार्टी मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं प्राइमर की तरफ। मैंने प्राइमर के लिए लिया है गाइस इनसाइड का प्राइमर। अगर आप गाइस प्राइमर को आप कभी स्किप करना ना भूलें। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अच्छे से प्राइमर को सेट कर लेंगे, अपनी नेक एरिया पे भी प्राइमर लगा लेंगे। गाइस, जब तक हमारा प्राइमर सेट होता है तब तक हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप के लिए गाइस सबसे पहले लिया है मैंने एस क्यू का कंसीलर, जिससे हम आई बेस तैयार कर लेंगे। तो गाइस, इस तरीके से हम अपने कंसीलर को लगा लेंगे। उसके बाद गाइस, एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद लिया है गाइस मैंने ये एन बाय वे का कॉम्पैक्ट, तो इससे हम कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने आई बेस को सेट कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं गाइस। उसके बाद लिया है मैंने एस एफ आर की आई शेडो पैलेट, जिसमें से लिया है ब्राउन कलर अपनी क्रीज को बिल्डअप करने के लिए। कुछ इस तरीके से देखिए गाइस, आप जितना ब्लेंड करेंगे आपका आई मेकअप उतना अच्छा लगेगा। मैंने फिर से वही ब्राउन कलर लिया है अपनी क्रीज को बिल्डअप करने के लिए। फिर उसके बाद लिया गाइस मैंने सेम पैलेट से ब्लैक कलर अपने आउटर के लिए। थोड़ा स्मोकी लुक देना है मेरे को, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी गाइस। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लेंड हो गया। उसके बाद लिया है मैंने मिस रोज़ की पैलेट, जिसमें से लिया है मैंने गोल्डन कलर अपनी लिड पे कलर करने के लिए। अपने मैं अपनी लिड पे कलर कर लूँगी गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने फिर से वही कलर लिया है और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस देख सकते हैं, मैंने अपना लगा लिया दोनों आईज़ों पे और मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। उसके बाद गाइस मैंने एस एफ आर की पैलेट से लिया फिर से ब्लैक कलर अपने लिड को और अपने आउटर को, दोनों को अच्छे से गाइस मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद गाइस मैंने लिया है अपनी फिर से ब्राउन कलर सफ़ार की पैलेट से अपने क्रीज को बिल्डअप अच्छे से बिल्डअप करने के लिए। तो मैं दोनों आईज़ को अच्छे से बिल्डअप कर लूँगी गाइस। जितना ब्लेंड करोगे आपका आई मेकअप उतना अच्छा लगेगा गाइस। उसके बाद मैंने आईलाइनर ड्रॉ कर लिया था गाइस। उसके बाद गाइस हम अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लेंगे गाइस। ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था अपना। अब गाइस उसके बाद यूज़ करेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए लिया है गाइस मैंने पर्पल का मस्कारा। हम अच्छे से मस्कारा लगा लेंगे। ये बहुत अच्छा मस्कारा है गाइस, रीजनेबल रेट में बहुत अच्छा मस्कारा है। तो गाइस अब मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चलते हैं हम फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन के लिए लिया है गाइस मैंने ये एले कल का फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस। अब इसको टैप 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 करके हम अपना फाउंडेशन लगा लेंगे और अपने नेक एरिया को कवर करना गाइस ना भूलें। उसके बाद लिया है गाइस मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं, आप जितना ब्लेंड करोगे आपका मेकअप उतना अच्छा लगेगा गाइस। अब इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद लिया मैंने ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं पूरे अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी टैप टैप कर करके। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं अपने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। उसके बाद लिया है गाइस मैंने कंसीलर। कंसीलर के लिए लिया है गाइस मैंने एस क्यू का कंसीलर। अपने हाईलाइट्स पॉइंट पर कंसीलर कर लेंगे। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे गाइस। उसके बाद लिया है गाइस मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर। अपने मेकअप को सेट कर लेंगे पाउडर की हेल्प से, जिससे हमारा मेकअप क्रीज ना हो गाइस। तो अच्छे से हम पाउडरिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये भी गाइस रीजनेबल रेट के हिसाब से बहुत अच्छा है लूज़ पाउडर। हम अपने पूरे फेस पे पाउडर कर लेंगे गाइस। अब देख सकते हैं गाइस। उसके बाद लिया है गाइस मैंने ये अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए हिरोडा का आईब्रो पेंसिल। तो मैंने अब आईब्रो को अच्छे से हम फिल कर लेंगे अपनी। आप देख सकते हैं, तो
तो गाइस देखिए मैंने अपनी दोनों आईब्रो फिल कर ली है। अब उसके बाद जो एक्सेस पाउडर था उसको मैं रिमूव कर दूंगी। उसके बाद लिया है गाइस मैंने SFR की पैलेट से ब्राउन कलर, जिससे मैं अब अपनी कॉन्टूरिंग करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। चिक एरिया पे, फॉरहेड पे मैं अच्छे से कॉन्टूरिंग कर लूँगी गाइस। आप देख सकते हैं गाइस कॉन्टूरिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा पतला लगता है और हमारे फीचर्स बहुत शार्प दिखने लगते हैं। अब गाइस आते हैं नोज़ पे, मैं नोज़ कॉन्टूरिंग कर रही हूँ गाइस अपनी। मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड करके अपनी कॉन्टूरिंग कर लूँगी गाइस, आप देख सकते हैं। उसके बाद लिया है गाइस मैंने शुगर का ब्लशर, तो गाइस हम ब्लशर यूज़ कर लेंगे, थोड़ा नोज़ पे भी लगा लेंगे गाइस। उसके बाद लिया है गाइस मैंने ये स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर, इसमें हाईलाइटर में से लिया है गाइस मैंने गोल्डन कलर, तो हम अपनी हाईलाइट कर लेंगे चिक एरिया को, अपने फॉरहेड को, अपनी नोज़ को अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने से गाइस हमारे स्किन पे एक अलग ही ग्लो आता है। और उसके बाद लिया गाइस मैंने SQ का काजल, हम काजल लगा लेंगे। ये बहुत अच्छा काजल है गाइस, मेरे को बहुत पसंद है ये काजल। उसके बाद चलते हैं गाइस जो मैंने गाइस मैंने क्रीज को बिल्डअप करने के लिए कलर लिया था, वो लोअर लैशेज पे करूँगी गाइस मैं सेम कलर, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा इसको। मेरा ब्लेंड हो चुका है। और ये गाइस मैंने रॉक्स का लिया है अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। ये गाइस मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, तो मैं अपने इससे ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से, मैं इसको हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद गाइस मैं इनर कॉर्नर को भी अपने हाईलाइट कर लूँगी। तो उसके बाद चलते हैं मेकअप फिक्सर की तरफ। मेकअप फिक्सर ले लिया मैंने NYB का मेकअप फिक्सर, और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से उसको टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद लिया गाइस मैंने SQ की मिनी लिपस्टिक्स, वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक गाइस, ये मेरी फेवरेट बन चुकी है। और मैंने लिया इसका न्यूड शेड, अच्छे से हम लिपस्टिक लगा लेंगे गाइस कुछ इस तरीके से। देखिए आप तो गाइस मेरा मेकअप रेडी है बिल्कुल। तो गाइस आप देख सकते हैं माय फाइनल लुक।